जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, जिसके जानकारी आपको हम पहले दे भी चुके हैं। IMA देहरादून में सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं, लेकिन अब आपके एग्जाम के बारे में जिस भी पोस्ट का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, उस पोस्ट के एग्जाम के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको बताने वाले हैं जो कि 100% आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेक्शन में काम आने वाली हैं। तो क्या आपकी पूरी अपडेट है, चलिएगा आपके ऑफिशियल एडमिट कार्ड के साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का ऑफिशियल एडमिट कार्ड है। जिस भी पोस्ट का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, उसका एडमिट कार्ड सेम आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या जानकारी है अब वो सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख लीजिए। आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिस भी पोस्ट का फॉर्म आपने अप्लाई किया था, उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है और टोटल वैकेंसी में से आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी कुक स्पेशल की जो टोटल वैकेंसी है वो 12 है, इसके बाद कुक IT की 3, MT ड्राइवर की 10 वैकेंसी, देन बूट मेकर या फिर रिपेयरर की आपकी 1 वैकेंसी, LDC की 3 वैकेंसी, मसालची की 2, वेटर की 11, फटिग मैन की 21, MTS सफाईवाला की 26, ग्राउंड्समैन की 46, GC ऑर्डरली की 33, MTS चौकीदार की 4, ग्रूम की 7, बार्बर की 2, इक्विपमेंट रिपेयरर की 1, बाइसिकल रिपेयरर की 1 वैकेंसी, इसके बाद MTS मैसेंजर की 2 और लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसके आपके टोटल जो है 1 वैकेंसी आपके इस भर्ती में आउट की गई थी। और यहाँ पर अब आपके एग्जाम के बारे में क्या अपडेट है वो सुनिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह है आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून का ऑफिशियल एडमिट कार्ड फॉर ए रिटर्न टेस्ट लिखित परीक्षा के लिए। जब आप एडमिट कार्ड को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम, फादर नेम, आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपकी फ़ोटो है, ये ऑफिशियल मोहर, आपकी ऑफिशियल सिग्नेचर, वो आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपके पोस्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका ड्राइवर की पोस्ट का रहने वाला है। लेकिन चाहे आपने किसी भी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया हो, आपके सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड इंडियन मिलिट्री अकेडमी की तरफ से आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, नीचे आइएगा, नीचे आने पर आपको जानकारी दी गई है आपके एग्जाम के बारे में कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कौन सा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कौन सा दिया गया है, सुबह के 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपकी इंट्री होने वाली है। और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का टाइम और डेट है वो है आपका 16 अक्टूबर 2022 सुबह के 10 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक। और यहाँ पर जो आपके सबसे बड़ी एक हैरान करने वाली चीज़ आपको सुनने को मिलेगी वो ये है कि जितनी भी आपकी पोस्ट है ना, उन सभी पोस्ट का एग्ज़ाम का टाइम, एग्ज़ाम की डेट, रिपोर्टिंग का टाइम, रिपोर्टिंग का सेंटर, सब कुछ आपका सेम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आपने एक पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया हो या चाहे आपने सभी पोस्ट का 2, 3, 4, 10 जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी का फॉर्म आपने अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपका एग्जाम का टाइम, एग्जाम का वेन्यू, ये सब आपका सेम होगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी अपडेट है कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना होगा, सभी पोस्ट का कॉमन एग्जाम, एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, एक ही टाइम में, एक ही डेट में, एक ही सेंटर में, एक ही पेपर में। हो गई बात क्लियर? ये है आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नीचे आइएगा और नीचे आने पर आपको जानकारी दी गई है कि एग्जाम के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम है, इसके लिए जो आपका पेन है, आपका क्लिपबोर्ड है या फिर आपका राइटिंग मटेरियल आपके एग्जाम के लिए, वो आप लेकर जा सकते हैं।
साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपका एक ओरिजिनल फोटो आईडी जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है वो लेकर जाना है, और उस आईडी प्रूफ की एक फोटोकॉपी जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए यानी कि उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए वो भी आपको लेकर जानी है, जो कि आपके एग्जाम के एंट्री के टाइम गेट पर जमा होगी। ओके जी, यहाँ पर आपके ऑफिशियल मोहर ऑफिशियल सिग्नेचर जो है आप लोगे देख भी सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट है ना आपके एग्जाम के बारे में एडमिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है आईएमए का, इस पर आप लोग जो है वर्किंग डेज में वर्किंग टाइम में कॉल भी करके पूछ सकते हैं, सभी डाउट आपको ऑफिशियली बता दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा ये आपका सेकंड पेज है जो कि आपके एडमिट कार्ड के पीछे आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपके एग्जाम से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अब इन सभी इंस्ट्रक्शन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है आपके आईडी प्रूफ के बारे में जो कि आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर जो आपके सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो आप अपने फाइनल रिजल्ट तक संभाल कर रखिएगा, जो आपका टेस्ट है होने वाला है रिटर्न एग्जाम का, या फिर जो आपका टेस्ट होने वाला है ट्रेड टेस्ट, या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर आपका फाइनल रिजल्ट, उन सभी स्टेज में ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको दिखाना होगा। तो इसीलिए इस एडमिट कार्ड को बिल्कुल आप लोग जो है संभाल के रखिएगा अपने फाइनल सिलेक्शन तक। सेकंड यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है वो नीचे आइएगा, और नीचे आने पर देखिएगा जो आपका पॉइंट नंबर 11 है वो आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम के लिए जो आपकी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपको लेकर जानी है, जो कि आपके कम से कम 24 और अधिकतम आपके 72 घंटे से ज़्यादा की न हो, यानी कि जो आपका कोविड-19 का टेस्ट है ना वो आपको करवाना है, और यहाँ पर नेगेटिव होने पर ही आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको एग्जाम में जो है इंट्री नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा कम से कम 24 घंटे पहले का और अधिकतम आपका एग्जाम डेट से, यानी कि आपका 16 तारीख को एग्जाम है तो 16 तारीख से 24 घंटे या फिर 72 घंटे पहले का ही आपका आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होना चाहिए। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है। तीसरी जो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है ना वो पता है क्या है, वो है आपका स्किल टेस्ट का कंडक्ट होना। अब स्किल टेस्ट क्या है तो वो देखिए आपका पॉइंट क्या आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, इसमें आपको ये चीज़ कही गई है कि स्किल टेस्ट में बी हेल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रिटन एग्जाम, हैंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली फॉर इट। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्किल टेस्ट है ना वो आपका जस्ट आपके एग्जाम के अगले दिन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका 17 तारीख को 17 अक्टूबर 2022 को जिस पोस्ट का फॉर्म आपने अप्लाई किया है उसका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, और इसके लिए यहाँ पर आपको तैयार होकर जाना है, और वहाँ पर आपके रुकने की व्यवस्था स्किल टेस्ट के लिए आपको तैयार होना है आपके रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ। तो यहाँ से देखिए जो आपका रिजल्ट है इसे ये चीज़ आपके सामने आ सकती है कि आपका वो सेम दिन ही अनाउंस कर दिया जाए, यानी कि 16 तारीख को आपका एग्जाम है तो मे बी आपका शाम के टाइम में या फिर आपका 17 तारीख में सुबह के टाइम आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, जो बच्चे पास होंगे उनका फिर स्किल टेस्ट लिया जाए, क्योंकि स्किल टेस्ट नॉर्मली उन्हीं बच्चों का होता है जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, सभी बच्चों का स्किल टेस्ट आपका नॉर्मली ग्रुप सी में कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो ये तीन बड़ी अपडेट हैं जो कि आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, स्किल टेस्ट क्या है वो और सुन लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आपको तैयार होकर जाना है वो है आपका पॉइंट नंबर 10 कि आपके रिटन एग्जाम के लिए जो आपका राइटिंग मटेरियल है उसके साथ साथ आपको एक चीज़ के लिए और तैयार होकर जाना है। यहाँ पर वो आपका जो प्रिपरेशन का पॉइंट है वो है एग्जाम के कंडक्ट होने के ग्राउंड के बारे में कि जो आपका रिटन एग्जाम है मे बी हल्ड इन ओपन ग्राउंड, यानी कि खुले मैदान में ओपन ग्राउंड में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार होकर जाना है कि आपको खुले मैदान में नीचे बैठकर जो परीक्षा देनी पड़ सकती है।
अब यहाँ पर जो आपकी पहली प्रोसेस है आपका रिटर्न एग्जाम, उसका पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ्स है आपके 25-25 क्वेश्चन, जीके और इंग्लिश आपके 50-50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा। और जो भी आपका एग्जाम का लेवल है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपके पोस्ट के अनुसार। जैसे कि LDC के लिए आपका जो एग्जाम का लेवल है वो +2 लेवल का, और यहाँ पर जो आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन होगी उस स्टैंडर्ड का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और रिटर्न एग्जाम के बाद आपका सेम पोस्ट का स्किल टेस्ट होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर ड्राइवर की पोस्ट का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है आपसे प्रैक्टिकली रूप से गाड़ी चलवाकर देखी जाएगी। उसी तरीके से कुक में आपसे जो कुकिंग का कार्य है वो करवा के देखा जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आपकी पोस्ट हैं, जिस पोस्ट का जो काम होता है वो आपसे करवा कर देखा जा सकता है। तो उम्मीद कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और IMA देहरादून के भर्ती के लिए अगर स्पेशल नोट्स आपको चाहिए तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9836638526, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और IMA देहरादून के भर्ती के स्पेशल नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो आपका हम कवर कर देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, तो आगे के अपडेट के लिए चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।